पूछिए। आदमी सबको लगता है कि ये नौटंकी करती है, झूठ बोलती है। नहीं दोस्तों, कसम से बोलें, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया। आदमी सब बोलते हैं कि ऐसे की हो, वैसे की हो। अभी तो हम देखते हैं कि हमारे ननद जी के घर में, उनके घर में भी वही हाल है। बड़ी वाली, उनका भी हाथ टूट गया, जीजा जी का भी पैर टूट गया। हटाएंगे चाहे कहीं से भी हो। और दूसरे तो बहुत सारी बात बोलते हैं, दूसरे का बात लेके चलेंगे तो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या स्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग, वो हम लोग जानते हैं। दूसरे तो नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप सब, प्यारा सा कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज देखिए, आज हम बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, तो आप सब बहुत ज़्यादा प्यार दुलार दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज सुबह सुबह देखिए जगे और बैड सब ऐसे चपत दिए। ऐसे तो हम सुबह में भी कोई काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था कि मत पूछिए। आदमी सबको लगता है कि ये नौटंकी करती है, झूठ बोलती है। नहीं दोस्तों, कसम से बोलें, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था। तो इस वजह से हम नहीं अच्छा से बोल पाते थे ना, अभी भी फ़िलहाल हम पूरी तरह से ठीक नहीं हैं दो रोज़ हुआ है, दवाई लाए हैं तो थोड़ा बहुत बोल भी ले लेते हैं और मोबाइल सब भी पकड़ के थोड़ा सा वीडियो भी बना लेते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसी हालत हो गई थी ना कि मोबाइल तक देखने का मन नहीं कर रहा था। और हमारे चैनल पे आप लोग देखते ही होंगे, MS पे भी आज 10-12 रोज से वीडियो नहीं चल रहा है। मनु बालूत पे भी एक दिन चढ़ता है तो एक दिन नहीं चढ़ता है। आरती छोटू भी वही हाल है। और आदमी को तो फेस देख के भी पता चल जाता होगा कि सच में इनका स्थिति कैसे है, नहीं है। और हमारी बड़ी वाली गोतनी उस रोज से दिखाती है सारा चीज़ की, वही काम करते हैं। कल पटवा थे, जिनको जूट बोलते हैं, खेत में थे तो वो काट के गोड़ दिए थे। कल छुड़ाए उनको, इनके बाद जो है परसों छुड़ाए, फिर कल घर लाए, सुखाए। अभी बरंडा पे रखा हुआ है और द्वार पर भी भाजी सब हैं, भैया सब, जीजा सब, पापा सब हैं। तो अभी जाए होगा तो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं भी दिखा सकते। द्वार भी पटवा ला के रख दिए हैं। सौंठी भी कल ही धो लिए, कल पटवा भी सूख गया है। और कल दो को लेबर था तो उनका भी खाना पीना। घर में तो आप सभी को पता ही है दोस्तों कि कितना ज़्यादा काम धंधा रहते हैं, लेकिन फिर भी दीदी ही सारा चीज़ करती है। हमारी बड़ी वाली दीदी और उनकी बेटी सब है तो वही खाना पीना बना देती है जब उनकी बेटी स्कूल चल जाती है। और अभी भी देखिए वहाँ पर चाय लेके जा रहे हैं, द्वार पर देख सकते हैं चाय भी थाली में रख दिया है। दोस्तों बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है हम सब का। हम सब अच्छा से ना वीडियो बना पाते हैं, ना आप सबको दिखा पाते हैं, क्या करेंगे। इधर इस बीच में आप सभी को तो यकीन नहीं होगा, लेकिन क्या करेंगे। आप लोग बोलेगा कि कंटेंट ही ढूंढ लेती है। नहीं दोस्तों, हकीकत जो भी होता है ना वो बताते हैं। देख सकते हैं कितना ज़्यादा हड्डी वगैरह सब निकल गया है। जिनका कोई फालतू का थोड़ी कोई टैबलेट सब खाएगी, कहीं डॉक्टर के पास जाएगी, किसी को रुपया थोड़े बला हुआ। और अभी स्थिति हम लोग का इतना ख़राब चलता है ना, पता नहीं महीना का लास्ट में क्या हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि बहुत ज़्यादा स्थिति डाउन हो जाता है। और इतनी टेंशन ही आ जाती है कि मत पूछिए दोस्तों। हर एक महीना यही देखते हैं हम लोग, सोचते हैं कि कैसों करके कट जाएगा, दिन गुजर जाएगा, कुछ बचत भी होगा। लेकिन सच बता रहे हैं, कुछ भी नहीं बचत हो पा रहा है। और जहाँ तक पता नहीं घर में क्या लगा दिया है, निर्णय लगा दिया होता है, एक तरफ से सबका तबीयत खराब हो जाता है। और आदमी सब बोलते हैं कि ऐसे की हो, वैसे की हो। अभी तो हम देखते हैं कि हमारे ननद जी के घर में, उनके घर में भी वही हाल है। बड़ी वाली, उनका भी हाथ टूट गया, जीजा जी का भी पैर टूट गया है। और जो हमारे पापा जी हैं, उनके ससुर जी, तो वो भी बूढ़े हैं, थोड़ा बहुत काम धंधा करते हैं, नहीं तो भी नहीं कर पाते हैं। समझ में नहीं आ रही है दोस्तों। तो चलिए आज हम जो है थोड़ा सा ब्लॉग आप सभी को दिखा रहे, वो भी बैठे बैठे, हम ज़्यादा चल भी नहीं पाते हैं, इसलिए पैर हाथ तुरंत खींचने लगता है। और कोई अब डोरी से बांधते हैं तो उसमें भी बोलते हैं, बच्चे सब भी नहीं है कि कोई दबा देंगे पैर, सब बच्चे चल गए अपना अपना स्कूल। तो इसलिए हम सोचे चलिए बैठे बैठे थोड़ा बहुत आप सभी से बात कर लेते हैं और आप सभी को दिखा देते हैं क्या करेंगे दोस्तों। इतना ही में आप लोग प्यार सपोर्ट ज़्यादा दीजिए, छोटा सा ही ब्लॉग रहता है। ज़्यादा जिस तरह हम लोग बनाते थे, शॉर्ट रील्स बनाते थे, आप लोग देखे करते थे, और ब्लॉग भी कितना अच्छा घूम घूम के सारा चीज़ दिखाते थे। अभी गैस सट गया है, गैस भी नहीं है, कितना रोज से उनके भराने के लिए अभी पैसे नहीं है। आप सभी को यकीन नहीं होगा दोस्तों, अभी चूल्हे पे ही खाना बनाती है।
और इधर हम दो रोज से थोड़ा बहुत आज सही है, वो भी अगर ज़्यादा बोलेंगे तो फिर जाके हमको सोना ही पड़ेगा, इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलते हैं ना ज़्यादा रील सब बनाते हैं, बस थोड़ा बहुत सुबह सवेरे जाके मुँह कान सब धो के थोड़ा बहुत टहलते हैं फिर आके लेट जाते हैं। क्या करेंगे, डॉक्टर बोले हैं ज़्यादा नहीं बोलने के लिए, नहीं बोलने के लिए इसलिए नहीं ज़्यादा बोलते हैं, ना ज़्यादा बोल के वीडियो सब बनाते हैं, ना रील्स बना पाते हैं, ना कुछ बना पाते हैं। खैर कोई दिक्कत नहीं, भगवान सब पे है, ठीक है, भगवान सबको देख रहे हैं, मुंह फोड़े हैं तो आहार वही जुटाएंगे चाहे कहीं से भी हो। और दूसरे तो बहुत सारी बात बोलते हैं, दूसरे का बात ले कर चलेंगे तो दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। क्या स्थिति से गुजर रहे हैं हम लोग वो हम लोग जानते हैं, दूसरे को क्या पता, दूसरे तो कुछ से कुछ बोलते जाते रहते हैं। अगर जो उनके बात पे रहेंगे तो लोग अपना से खुद को ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए दूसरे के बहकावे में इंसान को कभी नहीं आना चाहिए। दूसरे बहुत सारे बातें बोलते रहते हैं ऐसे वैसे नौ सत्रह, खैर कोई दिक्कत नहीं, उनका भी अपना अपना सोच होता है सबका, जिनको जैसा सोच लगता है, जिनको जैसे अच्छा लगता है वो ऐसे उस तरह बोलते हैं, उनको अपने की इच्छा का अनुसार। तो चलिए छोटा सा ब्लॉग है, इसमें आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा, ऐसे तो हम आपको सबको कुछ नहीं दिखाए ब्लॉग में, लेकिन फिर भी जितना थोड़ा बहुत बात हुआ वो बात आप लोग से शेयर किए, वो पटवा सबका घर सबका, और हम थोड़ा बहुत आज ठीक हैं तो आप सभी से शेयर कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि हम सब दिन मतलब तबीयत मेरी ख़राब ही रहती, जब हम जैसे रहते हैं वैसे आप लोग से शेयर करते हैं, आप सब देखे करते हैं। तो चलिए छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग ढेर सारा प्यार दुलार दीजिएगा, इसमें वीडियो को हम यहीं अंत करते हैं, अगर हो सकता है तो अच्छा सा वीडियो फिर आप सभी को ज़रूर देंगे। चलिए तब तक के लिए बाय।